हेलो गाइस, वेलकम टू आद एनिमेट। मुझे मेरी मामा की तरफ से 10 डेज चैलेंज मिला था जिसमें मैंने हर दिन एक नया मॉडल बनाना था। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए भी इन 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए मॉडलिंग का ट्यूटोरियल बनाऊंगा। मैंने वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो आज से मेरे चैनल पे 10 डेज चैलेंज की सीरीज आ रही है और मेक श्योर करना है कि आप उसे फॉलो करें क्योंकि उसमें आपकी मॉडलिंग और टेक्सचरिंग काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज को फॉलो करके काफी कुछ सीखा और आप लोगों को ये पसंद आई तो आपने मुझे जरूर बताना है ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी चैलेंजेस लेकर आऊं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो दूसरों के साथ, लाइक करें एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो फाइनली डे 10 तक हम पहुंच गए हैं एंड इन दिस चैलेंज हम लोग एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं सारा कुछ डिलीट कर दूंगा एंड आई एम गोना प्रेस शिफ्ट ए और मैं ऐड कर दूंगा एक सर्कल। उसके बाद एडिट मोड में जाके आपने इसे एक्सट्रूड कर देना है जी एक्सिस पे समथिंग लाइक 0.5 meters और आपने उसके बाद इसको F प्रेस करके फिल कर देना है और आपने यहाँ कंट्रोल R प्रेस करके एक लूप का डायर करनी है और इसको आपने स्केल कर देना है। नाउ प्रेस कंट्रोल B टू बेवल दिस और आपने एक दो सेगमेंट्स भी ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने ऊपर वाली एज और नीचे वाली एज सेलेक्ट करनी है शिफ्ट ऑल दबा के और इनको आपने स्केल डाउन कर देना है जी एक्सिस पे और ओवरऑल आर एक्सिस पे और उसके बाद इसको आपने नीचे मूव कर देना है ताकि ये हमारी ग्रिड के साथ मैच करे। और राइट क्लिक शेड स्मूथ कर देना है और हमने ऐड कर देना है एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर कंट्रोल 1 प्रेस करके। उसके बाद इन दोनों जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं इन दोनों फेसेस को इन्हें मैं इंसर्ट कर दूंगा एंड आवर बेस इज रेडी। तो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना प्रेस शिफ्ट ए, आई एम गोना ऐड अ सर्कल, इसको आपने ऊपर मूव करके स्केल डाउन कर देना है लाइक दैट, देन गो टू एडिट मोड प्रेस ए टू एक्सट्रूड दिस और अब आपने इसे थोड़ा यहाँ पर ले आना है, एक्सट्रूड कर देना है, स्केल कर देना है, फिर आपने इसे यहाँ मूव कर देना है थोड़ा सा स्केल डाउन, देन अगेन एक्सट्रूड बाय प्रेसिंग ई, स्केल डाउन, एक्सट्रूड, स्केल डाउन। ऑलराइट, तो अब आपने इसको शेप देनी है। जो भी शेप आप देंगे आपका सॉल्ट नेम उसी तरह का दिखेगा जब हम लोग फाइनल रेंडर पे आ जाएंगे। सो मैं इसको भी स्केल डाउन कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे एंड लास्टली अब मैं इसको F से फिल करने के बजाय यहाँ पर हमारे पास एनगॉन है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मैं F3 दबाता हूँ और इसको ग्रिड फिल कर दूंगा और हमारे पास ये ग्रिड फिल आ गया है। अब मैं इस मिडिल वर्टेक्स को सेलेक्ट करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन करूंगा और स्क्रॉल व्हील को एडजस्ट करके इसको मैं ऊपर ले आऊंगा लाइक दैट। राइट क्लिक शेड स्मूथ कर देना है एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट ऐड अ सबडिवीजन सरफेस मॉडिफायर, अप्लाई दैट बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए और उसके बाद आपने ऐड कर देना है एक डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर। न्यू पे क्लिक करके आपने इस साइड पे जो हमारे पास ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है और आपने इमेज और मूवी को क्लाउड्स पे चेंज कर देना है। अब हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न आ गया है, नॉइस पैटर्न। तो सबसे पहले इसके साइज़ को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ टू मे बी 0.1, इसकी डेप्थ को आपने इंक्रीज कर देना है एंड देन इसकी स्ट्रेंथ को आपने थोड़ा कम कर देना है और आपने एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर भी ऐड कर देना है। तो आई गेस दैट्स लुकिंग ओके। आपने अब क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर जाना है और इसकी स्केलिंग की वैल्यू को आपने इंक्रीज डिक्रीज कर देना है टू योर लाइकिंग। तो आई गेस मैं इसको तकरीबन 0.3 कर दूंगा और यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को मैं कर दूंगा तो मे बी 0.4 एंड अब हमारे पास इस तरह का सॉल्ट लैम्प बन गया है। अब आप एक और भी शेप का बना सकते हैं, लेट्स सपोज मैं इसे साइड पे मूव कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, देन जस्ट डिलीट दिस, प्रेस शिफ्ट ए, ऐड अ यूवी स्फीयर, मूव इट ओवर हियर और अब हमारे पास ये वाला बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको डिलीट कर दूँगा, इसको सेलेक्ट करके नीचे मूव करके थोड़ा सा ऊपर, इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, मूव इट डाउन, स्केल इट डाउन लाइक दैट और थोड़ा सा और ऊपर मूव करके स्केल कर देना है, थोड़ा सा नीचे राइट क्लिक और उसके बाद इसकी बेस को थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं एंड लास्टली इसको नीचे मूव कर देना है
तो लेट्स सपोज मेरे पास एक इस शेप की बन गई, आप इसे परफेक्ट स्फीयर भी बना सकते हैं, ठीक है। सो से मैंने सिंपली एक आइडिया दिया था, तो अब मैं इसको वापस यहाँ पर मूव कर दूंगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मटेरियल्स। तो जस्ट आपने यहाँ पर जाना है मटेरियल्स प्रीव्यू में। सबसे पहले मेक श्योर कीजिएगा आपके पास ब्लेंडर किट इंस्टॉल हो, ब्लेंडर किट एड ऑन। तो वो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है ब्लेंडर किट, और आपने सिंपली यहाँ पर जाना है, लिंक पे क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर देना है। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपली आपने सर्च करना है ब्लेंडर किट, और आपने इस पर क्लिक करके इस एड ऑन पे क्लिक कर देना है। और जब आपकी वेबसाइट खुल गई, आपने डाउनलोड ब्लेंडर किट पे क्लिक करके उसे कहीं पर डाउनलोड करना है, और आपने फिर इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में इंस्टॉल पे, और आपने उस पर डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपने सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पर हमें मटेरियल्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपने टाइप करना है वुड। तो वो टाइप करने के बाद आई गेस दिस लुक्स नाइस, तो मैं इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और हमारे पास ये वो टेक्सचर आ गया है। नाउ फॉर दिस वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक मटेरियल, तो इसको हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा, मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा कि शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, एक कलर रैम्प ऐड कर दूंगा जो कि हमारे कलर्स को कंट्रोल करेगा, हम जितने भी कलर्स ऐड करें। अब उन कलर्स का पैटर्न क्या हो, अब जो पैटर्न इसका है ना नॉइजी सा बम्प पैटर्न है, उसके साथ मैं नॉइजी सा टेक्सचर पैटर्न करना चाहता हूँ, तो मैं एक नॉइस टेक्सचर ऐड कर दूंगा। और इनकी स्केलिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं ऐड कर दूंगा एक मैपिंग नोड, और ऐड कर देना है एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड। सिंपली आपने टेक्सचर और कोऑर्डिनेट नोड ऐड कर देना है, उसके बाद आपने यूवी को ऐड कर देना है वेक्टर पे, और इस वेक्टर को इस नॉइस टेक्सचर के वेक्टर में ऐड कर देना है, और नॉइस टेक्सचर के फैक्टर को कलर रैम के फैक्टर में, और कलर रैम के कलर को प्रिंसिपल बीएसडीएफ के बेस कलर में। एंड एज यू कैन सी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ग्रे हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब आप देखें जब मैं इन वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ आपस में, तो फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इसके यूवीज सही नहीं है। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल ए प्रेस करके स्केलिंग को अप्लाई कर देना है, देन आपने एडिट मोड में जाना है, ए प्रेस करना है, और आपने यू प्रेस करना है स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। वंस यू डिड दैट एज यू कैन सी अब हमारे पास एक इस तरह का पैटर्न आ रहा है, लेकिन हम अब यहाँ पर हमारे पास एज सीम्स भी हैं, तो उसके लिए मैं कंट्रोल जी करूँगा, और जो ये यहाँ यू वी पे है इसको मैं जनरेटेड पे कर दूँगा। तो जब मैंने जनरेटेड पे किया तो हमारे पास इस तरह का पैटर्न आ रहा है जो कि हमें चाहिए था। अब इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, सबसे पहले इसको थोड़ा पीछे करना है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क ऑरेंज टाइप, ठीक है, लाइक दिस। एंड इसको मैं कर देता हूँ लाइक पिंकिश रेडिश टाइप, ठीक है, लाइक दैट। एंड एक और भी कलर आप ऐड कर दें, और इसको फुल एंड पे लेके जाके इसकी सैचुरेशन भी कम कर दें, इसको लाइट भी कर दें, ये थोड़ा वाइटिश सा कलर होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, इसको भी, और ये जो हमारे पास पीछे ये कलर है इसको भी मैं थोड़ा यहाँ मूव कर दूंगा, तो हमारे पास इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा विच लुक्स ओके। और इसको आई गेस मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, वाइट वाले को। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट कि मैं इसकी रफनेस को 0.8 कर दूंगा, मटेलिक को 0.1, ट्रांसपेरेंसी को 0.85, और अब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अब मैं IOR को कर दूंगा 1.65। और अब अगर मैं रेंडर व्यू में आऊँ, कंट्रोल S से सेव कर दीजिएगा। रेंडर व्यू में आने के बाद आपने साइकल्स पे चले जाना है, GPU कंप्यूट, डिनोइजर ऑन, और हमारे पास जो मैक सैंपल्स हैं इन्हें आपने 100 कर देना है। और उसके बाद आपने कोई लाइटिंग चूज़ करना है तो इस एरो पे क्लिक करें, सीन वर्ल्ड को ऑफ करें, और यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ ये वाली लाइटनिंग। अब मैं जाऊँगा, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड हमें ना दिखे, सिर्फ लाइटनिंग शो हो, तो उसके लिए मैं जाऊँगा सबसे पहले यहाँ पर जाऊँगा, रे विजिबिलिटी पे जाऊँगा, और कैमरा को चेक कर दूँगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सीन आ गया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
कि ट्रांसपेरेंसी को फुल कर दूंगा और रफनेस को थोड़ा सा कम कर दूंगा टू मे बी 0.7। मेटेलिक को भी कम कर देते हैं। अब मैं सब सरफेस में वेट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ टू मे बी 0.4 एंड आई गेस दैट्स क्वाइट नाइस। अब मैं इनट्रोशिपी को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा टू मे 0.2 एंड आई गेस दैट्स इट। हम अब हमने क्या करना है कि सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, एडिट मोड में जाके इसको ई से एक्सट्रूड करना है, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करना है और इसको स्केल डाउन करना है समथिंग लाइक दिस और नीचे मूव कर देना है। एंड नाउ आई एम गोना प्रेस शिफ्ट ए और मैं ऐड कर दूंगा एक पॉइंट लाइट, इसको यहाँ मूव कर दूंगा लाइक दैट। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके कलर को मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के येलोइश सा कर दूंगा समथिंग लाइक दैट। सो वी हैव सॉल्ट लैम्प। अब सॉल्ट लैम्प को मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ डार्क, इसको भी मैं कर देता हूँ थोड़ा डार्क सा एंड आई गेस या दैट्स क्वाइट नाइस। या गाइस दिस इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।